आज के मिनी ब्लॉग में मैं बनाऊंगी दाल चूरमा। तो दाल चूरमा बनाने के लिए देखिए, ये कुकर लिया है, कुकर में मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल गर्म हो गया। तो तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। ये हम बना रहे हैं मूंग की दाल चूरमे के साथ। हींग डालने के बाद अब हमें थोड़ा सा जीरा, जीरा हल्का सा चटक जाए तो उसके बाद हमें डाल देनी है इसमें प्याज। और प्याज के साथ ही हमें डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने घर पे भी बनाया है। और प्याज और लहसुन को हमें हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज जो है हमारी देखिए हल्की ब्राउन हो गई है, कलर चेंज हो गया है इनका। तो अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर, और टमाटर को भी प्याज के साथ हम मिक्स कर देते हैं। और टमाटर हमारा जल्दी पक जाए इसके लिए हमें डालना होगा इसमें नमक। तो ये डाल दिया है मैंने स्वाद के अनुसार नमक। और अभी जो टमाटर है हमारा जल्दी से पक जाएगा तो टमाटर को भी हम पका लेते हैं। अब टमाटर भी देखिए हमारा पक चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। तो मसालों में डालूंगी मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही धनिया। धनिया को मैंने दरदरा सा कूट के डाला है। और सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। नमक हमने पहले ही डाल दिया था। और थोड़ी देर इन मसालों को भी ऐसे खुले में हमें पका लेना है, तले में लगने नहीं चाहिए मसाले। देखिए ये हमारी दाल की ग्रेवी। तो मसाला हमारा पक गया है। तो अब देखिए ये मैं इसमें डाल रही हूँ दाल। ये एक कटोरी मैंने डाल ली है, इसको आधे घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। और अब इसको 2 से 3 बार मैंने अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। तो सारी दाल डाल दिए और दाल डालने के बाद हमें मसाले के साथ मिक्स कर देनी है। और अब इसमें हम डाल लेंगे पानी। तो ये मैं डाल रही हूँ, मैंने एक कटोरी डाल ली है तो मैं इसमें 3 कटोरी पानी डालूंगी। तो ये देखिए मैंने 3 कटोरी पानी डाल दिया है। एक बार दोबारा से हमें मिक्स कर देनी है दाल को, पानी को, मसाले को, सारी चीज़ों को। ये देखिए सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब इस पर लगा देते हैं ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद इसमें हम 3 विसल लगवाएंगे। ये लगा दिया मैंने ढक्कन और इसमें अब 3 विसल हम लगवा लेते हैं तो हमारी दाल फटाफट बनकर हो गई कि तैयार। तो चलिए देख लेते हैं दाल हमारी बनी या नहीं। तो देखिए हमारी दाल बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार, एकदम परफेक्ट हमारी दाल बन गई है जो हम खाएंगे चूरमे के साथ। तो चलिए अब फटाफट हम तैयारी करते हैं चूरमा बनाने। चूरमा बनाने के लिए देखिए मैंने आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है, थोड़ा सा आटा हम साइड में निकाल देते हैं। सबसे पहले तो अब मैं इसमें डालूंगी मलाई। तो ये बिल्कुल फ्रेश दूध की मलाई है। देखिए तो ये 3 चम्मच के लगभग मैंने मलाई डाल दी है। और मलाई को आटे के साथ हमें मिक्स कर देना है। मलाई की जगह आप जो घी होता है वो भी डाल सकते हो। इससे क्या होता है चूरमा जो होता है बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी जैसे हम चूरमा बनाते हैं तो बन जाता है। तो मलाई मिलाने के बाद अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस मैं कर रही हूँ, आटा लगा रही हूँ दूध से। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना और आटा हमें लगा लेना है। जो चूरमे का जो आटा होता है वो थोड़ा सा टाइट ही लगता है तो उसका जो डो है थोड़ा टाइट बनेगा। आप एक साथ दूध ना डालिए, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना चूरमे का आटा लगाइए। ये देखिए मैंने चूरमे का आटा लगा दिया है। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी रोटियाँ। अब हम बनाते हैं चूरमे की रोटी। तो चूरमे की रोटी जो होती है थोड़ी मोटी ही बनती है। देखिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही आटा लिया है, जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे ज़्यादा आटा लिया है। और इसकी अब हमें लोई बना लेनी है। तो ये देखिए लोई बन गई है और इसको अब हम बेल लेते हैं। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें चूरमे की रोटी को भी बेल लेना है। अब हमें फोक की हेल्प से इस पर थोड़ा सा जैसे छेद से करते हैं ताकि जो मोटी रोटी है इसलिए अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए मैंने फोक से इसमें छेद कर दिया है। अब रोटी को डाल दिया तवे पे और इसको हम सेक लेते हैं। एक साइड से रोटी हमारी सीख गई है तो इसको अब हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी हम सेक लेते हैं। रोटी हमारी दोनों साइड से सीख गई है तो आप दूसरी रोटी तवे पे डाल देते हैं और पहले वाली रोटी को सेक लेते हैं। इस तरीके से आप सारी रोटी बना लीजिए। जितनी भी रोटियों को आपको चूरमा बनाना है उतनी रोटी आप बना लीजिए। और बनाने के बाद इनको हल्का सा ठंडा होने के लिए हमें रख देना है। चूरमे के लिए जो रोटी बनाई थी देखिए उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। तो आज जो है हम चूरमा बना रहे हैं मिक्सी में। तो अब ये टुकड़े हमें मिक्सी जार में डाल देने हैं, गरम हमें नहीं पीसने। ठंडा होने के बाद ही हमें रोटियों को पीसना है मिक्सी में। ये देखिए चूरमा हमारा बन गया है, चूरमा मैंने पीस लिया है जार में डाल के। तो थोड़ी रोटी और बची है उनका और बना लेती हूँ। देखिए जो रोटियाँ बची थी उनका भी मैंने चूरमा बना लिया है। तो सारा चूरमा मैंने एक बर्तन में निकाल दिया। तो अब इसमें हम डालते हैं गुड़ और घी। आज मैं चूरमा बना रही हूँ गुड़ में। तो देखिए गुड़ की थी पेड़ियाँ, तो पेड़ियों को मैंने अच्छे से फोड़ लिया है और बिल्कुल बारीक कर लिया है। तो सारा गुड़ चूरमे में डाल देना है हमें। तो अब जो गुड़ डाला है उसको हमें चूरमे के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए गुड़ को मैंने मिला दिया। तो अब इसमें हम डालते हैं घी। तो ये घी को मैंने गर्म कर लिया है और ये अब मैं घी डाल रही हूँ चूरमे में। और घी को भी अब हमें सारे चूरमे के साथ मिक्स कर देना है।
थोड़ा गर्म है तो हल्के हाथ से ठंडा होते होते साथ साथ हमें मिक्स करते जाना है। सारा घी हमें चूरमे के साथ मिक्स कर देना है। घी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितना भी खाते हो उसके अनुसार आप डाल सकते हो। कोई ज़्यादा घी खाता है, कोई कम घी खाना पसंद करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। मेरे को घी थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। वैसे आप बाद में भी घी उसके ऊपर डाल के खा सकते हो। तो ये हमारा टेस्टी सा चूरमा बनकर देखिए हो गया है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म दाल चूरमा बनकर हो गया है तैयार खाने के लिए। तो चलिए गर्मा गर्म खाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।